दो अनसुने शिंडलर्स की एक कहानी। जो सही है उसे करो, क्योंकि वो सही है। चियुने सुगिहारा की तरह। वर्ष 1940 था और पूरी दुनिया उस समय युद्ध में समा गई थी। उसी युद्ध को बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जाना गया। यूरोप के कुछ हिस्सों में जहां नाजी बढ़ते जा रहे थे, लाखों यहूदियों का जीवन अचानक से अधर में लटक गया था। उन्होंने कभी इसे सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वे भागें या उन स्थानों में ही मर जाएं जो कि आजीवन उनके लिए घर थे। एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करो और इसके बारे में सोचो। अगर आपको कुछ इस तरह के अनुभव से गुजरना पड़ा तो ये ज्यादा सुखदायक तो नहीं है, है ना? खैर, जीवन खोना तो बहुत कठिन नहीं था, कम से कम उतना कठिन तो नहीं जितना कि उस जगह से भाग कर निकलना। लेकिन कई लोगों ने भागने का प्रबंधन किया और ये सब बहुत सारे अच्छे सामग्रियों की मदद से हुआ। चियुने सुगिहारा एक जापानी राजनयिक थे जिन्होंने खुद को लिथुआनिया में एक दूत के रूप में तैनात किया। वे जल्द ही युद्ध के उस दौर के गवाह बन गए जब सोवियत संघ ने जर्मनी के साथ एक समझौता किया जिसमें सैनिकों को उस देश पर कब्जा करने की अनुमति दी गई जहां पर वे तैनात थे। इसने विनाश के उसी निशान का अनुकरण किया। हिटलर और स्टालिन के इस चाल से बचने के लिए लोगों को वीजा की जरूरत थी। एक दोपहर उन्होंने अपने निवास के सामने लगभग 200 लोगों को पाया। उन लोगों ने वीजा के लिए अनुरोध किया जिसका मतलब स्वतंत्रता थी। उन्होंने जापानी सरकार से संपर्क किया लेकिन इनकार कर दिया। जापानी संस्कृति ने आज्ञाकारिता पर भारी जोर दिया था और उन्हें पता था कि एक प्रत्यक्ष आदेश की अवज्ञा करके न केवल अपने बल्कि अपने परिवार के जीवन को खतरे में डाल देंगे। दूसरी ओर समुराई वर्ग जिसमें उनकी पैदाइश हुई थी के अनुसार सम्मान सर्वोपरि, तो उन्होंने वही किया जो उन्होंने किया था। उन्होंने जीवन के लिए वीजा जारी करना शुरू कर दिया। 29 दिनों के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के साथ घंटों हाथ से वो दस्तावेज तैयार किए। उन्होंने प्रतिदिन 300 वीजा तक तैयार करने के लिए अथक परिश्रम किया। 300 वीजा तैयार करने में लगभग एक महीने का समय लगता है और वो काम उन्होंने एक दिन में किया और वही काम उन्होंने प्रतिदिन किया। उन्होंने उस समय खाने की भी सुध नहीं ली, अपितु उन्होंने तब तक वीजा लिखना जारी रखा जब तक कि वे लिथुआनिया छोड़ने वाली ट्रेन पर चढ़ने के लिए मजबूर नहीं किए गए। लेकिन तब भी उन्होंने अपने प्रयासों को छोड़ने से इनकार किया और वे अपने हस्ताक्षर और मुहर वाले दस्तावेजों को ट्रेन की खिड़की से बाहर उछालने लगे और अंत में अपनी आधिकारिक मुहर को भी। इस तरह से ये उनकी और उनकी पत्नी की निष्ठा थी जिन्होंने उनका साथ दिया। अब अगर मैं आपको इस सब के बाद बताता हूं कि हमारी कहानी के दूसरे नायक की तुलना में उनका काम उतना भी कठिन नहीं था, क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? चलिए पता करते हैं। नीदरलैंड के यान ज्वार्टेडेक लिथुआनिया में फिलिप्स के एक शाखा निदेशक थे। वे 1940 की गर्मियों में लिथुआनिया में मानव दूत डच के मानव दूत बन गए। यहूदी शरणार्थियों को यूरोप से भागने में मदद करने के लिए उन्होंने कैरेबियन में एक डच क्षेत्र कुराकाओ में प्रवेश वीजा जारी किया। जिन लोगों को ये दस्तावेज मिले थे वही लोग फिर जापान के दूतावास में गए थे। जीवन के लिए वीजा याद है ना? दरअसल कुराकाओ वीजा ही जीवन के लिए वीजा का मूल स्रोत था। चियुने सुगिहारा जापानी दूतावास के रूप में काम कर रहे थे जो उस समय जर्मनी का सहयोगी था। ऐसा कोई अंदेशा नहीं था कि नाजी गार्ड मित्र देश के दूतावास में कदम रख सकें और उन्हें गिरफ्तार कर सकें। लेकिन इसके विपरीत नाजियों द्वारा नीदरलैंड पर कब्जा कर लिया गया था। उस समय नाजियों की इच्छाओं को धता बताना राष्ट्रद्रोह था और उसका अंजाम सजाए मौत भी हो सकता था। इस सब के साथ इस भयावह खतरे के को समझकर उन्होंने वीजा फॉर लाइफ को जारी रखने का काम किया। वीजा फॉर लाइफ क्योंकि उन्होंने अपनी जान को ही जोखिम में डाल दिया था और उन्होंने इस तथ्य को
विश्व युद्ध दो के समाप्त होने के बाद भी छुपाकर ही रखा। उनके अच्छे कामों का बाद में पता भी चला, लेकिन उसके बाद भी नीदरलैंड सरकार ने कभी इसका प्रचार नहीं किया। लेकिन उनका काम उन लोगों की वजह से पहचाना जाने लगा जिनकी जान उन्होंने बचाई थी, सुगिहारा और यान दोनों को इजरायली सरकार की ओर से राष्ट्रों के बीच न्याय परायण यानी राइचियस अमंग द नेशंस पुरस्कार दिया गया। सुगिहारा को 1985 में उनकी मृत्यु से एक साल पहले और यान को 1997 में, दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु के 21 साल बाद। उनके अपने देश को उनके काम को पहचानने में लगभग 20 और साल लग गए। 2016 में उनके जीवन पर एक नाटिका का निर्माण किया गया और 2018 में एक जीवनी प्रकाशित हुई थी। हम केवल मनुष्य हैं, मुझे लगता है कि यह एक अंडरस्टेटमेंट है, क्योंकि हम अपने जीवन के छोटे से समय में अद्भुत चीजें प्राप्त करने में सक्षम हैं। फिलिप्स रेडियो मैन या कुराकाओ का फरिश्ता जिस नाम से उन्हें पहचाना जाता था, मुझे उनका कोई उद्धरण नहीं मिला, लेकिन मुझे यकीन है यान ने जरूर यह सोचा होगा, सभी को जीने का मौका दें। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे बेहतर बनाने में मदद करने के लिए अपने विचार साझा करें। और ये जो संस्मरण था आपको कैसा लगा आप जरूर से बताएं।